हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड चिकन कबाब्स। ये साउथ इंडियन स्ट्रीट स्टाइल कबाब का स्पाइसी और क्रिस्पी और झटपट बनने वाला रेसिपी है। चिकन कबाब बनाने के लिए एक बाउल में एक कप मैदा ले, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये आपके स्वाद अनुसार इस्तेमाल करें। दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर रंग के लिए, आप चाहे तो खाने का लाल रंग भी इस्तेमाल कर सकते हो। दो चम्मच जीरा पाउडर डालकर सारे सामग्री को एक साथ मिला लें। अब इसमें एक अंडा पहला तोड़कर और आधा नींबू का जूस डालकर इसे मिला लें। अब इसमें एक और अंडा तोड़कर डालें और आधा कप कॉर्नफ्लोर डालकर मिला ले। अब चाहे तो इसमें चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें आधा कप पानी मिला ले। दो सौ पचास ग्राम चिकन, आप इसमें चिकन बोन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। बैटर और चिकन को मिक्स कर ले और ज़रूरत पड़े तो इसमें और पानी मिला सकते हो। इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे 30 मिनट के लिए आप मैरिनेशन के लिए रख दे, या फिर आप इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख सकते हो। 30 मिनट बाद एक कढ़ाई में डीप फ्राई करने के लिए तेल गरम करें। तेल को अच्छे से गर्म होने दें और फ्लेम को लो मीडियम पर रख कर चिकन के पीसेस को फ्राई करें। चिकन दोनों तरफ से लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पका ले। जब चिकन पकने आ रहा हो तब फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखकर इसमें बीच से कटा हुआ मिर्ची और 10 से 12 करी पत्ते डालकर चिकन के साथ 2 मिनट के लिए तल ले। जब बाहर का कोटिंग गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो चिकन को निकाल ले और बचा हुआ चिकन फ्राई कर ले। क्रिस्पी चिकन कबाब खाने के साथ या पार्टी स्नैक्स जैसे सर्व कर सकते हो। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।